जी सी फैक्ट्स के 12th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। क्या आपको पता है सबसे पहले नेशनल एंथम किस देश में बनाया गया था? पॉपअप कैमरा वाले फोन्स अब क्यों नहीं आते? स्टारबक्स अपने एम्प्लॉयज़ को परफ्यूम लगाने की परमिशन क्यों नहीं देता? इंडियन कॉइन्स के नीचे ये डॉट्स क्यों होते हैं? और फ्यूचर में स्मार्टफोन्स कैसे होंगे? इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। फैक्ट नंबर वन, हर एक कंट्री का अपना अपना नेशनल एंथम होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले कंट्री कौन सी थी जो नेशनल एंथम बनाई? तो वो कंट्री है जापान। जापान ही वह कंट्री है जहां सबसे पहले नेशनल एंथम बनाया गया था। उसके बाद ही सारी कंट्रीज अपना अपना नेशनल एंथम बनाने लगे। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको वर्ल्ड स्मॉलेस्ट काउ के बारे में पता है? मीन्स दुनिया की सबसे छोटी गाय। अगर नहीं तो यह देखिए, इसका नाम है रानी। यह इस दुनिया की सबसे छोटी गाय है और ये अभी बांग्लादेश में है। फैक्ट नंबर थ्री, आप सबको पता ही होगा कि हम इंडियंस दिवाली के दिन मिठाई लेते हैं और यह ऐसा लगता है कि कंपल्सरी है। वैसे ही जापान में क्रिसमस के दिन KFC ऑर्डर करते हैं लगभग सभी घरों में। क्रिसमस के दिन जापान के सभी KFCs इतने भीड़ होते हैं कि कई लोग 10-15 दिन पहले ही अपना ऑर्डर बुक कर लेते हैं। फैक्ट नंबर फोर, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई रूल निकाली थी जिसमें पेरेंट जो अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी देते हैं या उनके नाम कर देते हैं उसे अब वे वापिस भी ले सकते हैं, बस अगर उनके बच्चे उनकी अच्छी देखभाल न करें तो। क्योंकि कई लोग प्रॉपर्टी अपने नाम करके अपने पेरेंट्स को घर से निकाल देते हैं, लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, अब पॉपअप कैमरा वाले फोन्स क्यों नहीं आते? ये ट्रेंड आते ही क्यों चला गया? तो इसके पीछे मेन तीन रीजंस है। सबसे पहला रीज़न यह है कि पॉपअप कैमरा फ़ोन को वीक बनाता है, क्योंकि कैमरा बार बार अंदर बाहर होने से बैटरी ज़्यादा यूज़ होता है और इसी वजह से फ़ोन में डस्ट जाने के भी चांसेस होते हैं। और सबसे मेन रीज़न यह है कि पॉपअप कैमरा वाले फ़ोन्स वाटर प्रूफ नहीं होते हैं। ऐसे ही कई सारी परेशानियों के कारण पॉपअप कैमरा वाले फ़ोन मार्केट से चली गई। हैक नंबर सिक्स, पुलिस गाड़ी में रेड और ब्लू कलर का सायरन क्यों होता है? क्या आपको पता है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। दरअसल इसमें जो रेड कलर होता है वह हमें अलर्ट करता है और यह दूर से भी बड़ी आसानी से दिखता है। ब्लू कलर इसलिए होता है क्योंकि आम गाड़ियों में भी रेड कलर होता है। इन सभी से हट के दिखने के लिए पुलिस गाड़ी में रेड और ब्लू दोनों का यूज़ होता है। फैक्ट नंबर सेवन, आपको किसी का भी कॉल रिसीव करने से पहले स्माइल करना चाहिए, उसके बाद कॉल उठाना चाहिए, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं तब आप हैप्पी साउंड करते हैं और आपका कन्वर्सेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना। हैक नंबर एट, पांडा को सबसे ज़्यादा हेल्पफुल एनिमल माना जाता है, जहां अगर दूसरे एनिमल्स मिलते हैं तो वे झगड़े शुरू कर देते हैं, तो वहीं पांडास एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे एक पांडा दूसरे पांडा का मदद कर रहा है। हैक नंबर नाइन, यह इमेज देखिए। इस इमेज को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये कई मंजिला घर हो, लेकिन एक सिंगल बस है। इस बस के जस्ट पीछे सेम कलर सेम डिज़ाइन का बिल्डिंग है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बस ने पूरे बिल्डिंग को उठा लिया है। हैक नंबर टेन, स्टारबक्स अपने एम्प्लॉयज़ को परफ्यूम लगाने की अनुमति नहीं देता है, मीन्स परमिशन नहीं देता, क्योंकि परफ्यूम की वजह से कस्टमर्स को कॉफ़ी का असली स्मेल नहीं आएगा। स्टारबक्स अपने कॉफ़ी का बहुत केयर करते हैं, इसलिए वे अपने एम्प्लॉयज़ को परफ्यूम लगाने की परमिशन नहीं देते हैं। हैक नंबर इलेवन, मकड़ी के काटने से क्या होता है? स्पाइडरमैन बनने की सोच रहे हो तो उसका पता नहीं, पर मकड़ी के काटने से आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो एक टाइप से आप सेफ हो, क्योंकि इंडिया में नॉर्मल मकड़ी होती है जो ज़्यादा जहरीली नहीं होती है, लेकिन अगर वह भी काटे तो आपको खुजली हो सकती है या कि रेड डॉट्स हो सकते हैं, साथ में जलन भी। फैक्ट नंबर 12, ताजमहल बनाने वाले वर्कर्स के हाथ क्या सच में काटे गए थे? अगर आप इसे सच समझते हो तो आप भूल जाइए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। 20,000 लोगों के द्वारा ताजमहल को बनाया गया था
और इसके बाद ही शाहजहां ने उन्हें दिल्ली में रेड फोर्ट बनाने की अनुमति दी थी और वे रेड फोर्ट भी तैयार किए थे। तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वर्कर्स नहीं होते तो रेड फोर्ट कैसे होता। फैक्ट नंबर 13, आपने कॉइन्स के नीचे ये डॉट्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये डॉट्स क्यों होते हैं? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। दरअसल ये डॉट्स हमें बताता है कि ये किस जगह पर बनी है। जैसे कि स्टार मार्क वाला कॉइन हैदराबाद में बनता है, सिंपल डॉट वाला नोएडा में, डायमंड डॉट वाला मुंबई में, और जिस कॉइन में कोई डॉट नहीं होता प्लेन रहता है, मीन्स वह कोलकाता में बना है। फैक्ट नंबर 14, ये बहुत ही फनी फैक्ट है। दिल्ली में एक लड़का रहता था जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया था, और उसे उसकी मम्मी ने फैन रिपेयर करने को कहा, लेकिन वह किसी वजह से रिपेयर नहीं कर पाया, और इसी गुस्से में उसकी मम्मी ने उसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री को फाड़ दी और कहा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके एक फैन रिपेयर नहीं कर पा रहा तो किस काम का है तू। फैक्ट नंबर 15, फ्यूचर में स्मार्टफोन्स कैसे होंगे? देखा जाए तो हम लोगों ने पिछले 10 सालों में फोन्स में इतनी तरक्की कर ली है कि फ्यूचर के फ़ोन आपके दिमाग हिला देगा, लेकिन हम लोग आपको कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ बताएंगे जो फ्यूचर के फ़ोन में गारंटी होगी। सबसे पहली फीचर, फ्लिप फोन्स। फ्लिप फोन्स आज के फ्लिप फोन से कई गुना अच्छा होगा। इन फोन्स में हम 3D वीडियो देख पाएंगे, और फ्यूचर फोन्स इतने फास्ट होंगे, उनमें लगभग 32 GB का रैम होगा। ये फ़ोन सिर्फ 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाएंगे। ऐसे ही कई सारे फीचर्स हमें फ्यूचर फोन में मिलने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।